सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिक ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरखाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कमस्तु पीसी 210 का पायलट लीवर का सेटिंग कैसे कर सकते हैं, पायलट लीवर में जो प्ले है उस प्ले को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं हम आ चुके हैं केबिन में और केबिन में आने के बाद में देख सकते हैं ये लीवर जो कि पायलट लीवर है, इसमें देख सकते हैं कि कितना प्ले है। तो दोस्तों, ये प्ले जो है ये देख सकते हैं, ये प्ले है और इस प्ले को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देख सकते हैं, हमने दो यूनिवर्सल जॉइंट मंगाया है। सबसे पहले तो इस जॉइंट को हम बाहर निकालते हैं और पहले आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक जॉइंट हमने निकाल कर अलग रखा है, चलिए हम उसको दिखाते हैं दोनों को। तो देख सकते हैं, ये दोनों पायलट लीवर में दोनों यूनिवर्सल जॉइंट को हम फिटिंग करेंगे और इसका प्ले एडजस्ट करके हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें इस लीवर को ओपन करना होगा। तो लीवर को ओपन करने के लिए एक देख सकते हैं 17 नंबर का बोल्ट है, उसे हल्का सा लूज करना है और हल्का लीवर को ऊपर की तरफ खींचना है, हल्का चोट मार देना है, लीवर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, एक 22 नंबर का लीवर का एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को भी ओपन करना है। आसानी से आप स्पेनर से इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा पायलट लीवर का वाल कवर, उस वाल कवर को भी निकाल लेना है। और उसके बाद दोस्तों आता है ये प्ले एडजस्टर कैप। तो दोस्तों, इस प्ले एडजस्टर कैप को हमें ओपन करना है। तो दोस्तों, इसमें 30 का स्पेनर लगता है, आप उस 30 के स्पेनर से इस प्ले एडजस्टर कैप को आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने ओपन कर लिया है और चलिए हम इसे घुमा घुमा कर बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम था और किस वजह से ये दिक्कतें आ रही थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कैप खुल चुका है, चलिए हम इसे बाहर कर लेते हैं। तो देख सकते हैं, ये कैप जिस पे आपको निशान दिख रहा होगा, ये निशान है और ये रहा वो यूनिवर्सल जॉइंट जो कि देख सकते हैं वो कितना प्ले है, मतलब कि ये जो जॉइंट है बहुत ज़्यादा कट चुका है। चलिए हम इसे स्पेनर लगा के इसे बाहर निकाल लेते हैं और जो हमने आपको दिखाया था यूनिवर्सल जॉइंट, उस जॉइंट को हमें इस जगह पे फिटिंग करना है और फिटिंग करने के बाद दोस्तों, हमें इसका प्ले सेट करना है। और उसके बाद दोस्तों, इस लीवर का आप देखना कि प्ले कितना कम रहता है। तो देख सकते हैं, हमने उसे बाहर निकाल लिया है और ये रहा नया यूनिवर्सल जॉइंट। चलिए हम इसमें से एक लीवर में फिटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका प्ले कैसा सेट करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमने आपको राइट साइड का लीवर का दिखाया था, बट दोस्तों हम अभी आपको लेफ्ट साइड के लीवर में फिट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो यूनिवर्सल जॉइंट है इसमें दोनों साइड से थ्रेड दिया हुआ रहता है, वो थ्रेड मैच करना है और थ्रेड मैच करने के बाद में आपको अच्छे से इस यूनिवर्सल जॉइंट को टाइट कर देना है। दोस्तों, अगर आपको कमत्सु पीसी 210 या 200 का पार्ट किट लग चाहिए तो आप मैकेनिक ज्ञान ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस मैकेनिक ज्ञान ऐप में सभी टाइप के मशीन, गाड़ी, इंजन, गियरबॉक्स के पार्ट कैटलॉग मौजूद है। अगर उस पार्ट कैटलॉग को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे और उस मैकेनिक ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने यूनिवर्सल जॉइंट को हमने फिटिंग कर दिया है। अब दोस्तों, हमें प्ले एडजस्टर कैप को फिटिंग करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है प्ले एडजस्टर कैप और देख सकते हैं ये चार जगहों पे कटा हुआ है, बट दोस्तों जब हम फिटिंग करेंगे तो वो कटा हुआ जो पोर्शन है उसे हम साइड में कर देंगे। प्ले एडजस्टर कैप में दोस्तों थ्रेड होता है, आप थ्रेड मिलाकर इस कैप को अच्छे से टाइट कर देना है। जब दोस्तों आप टाइट करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, प्ले दोस्तों इसी कैप से हमें सेट करना है। तो चलिए देख सकते हैं, हमने हल्का सा टाइट कर दिया इसको। अब टाइट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, अब इसके बाद में जब ऊपर लीवर लगाएंगे तो प्ले देख सकते हैं बिल्कुल भी
नहीं बचा हुआ है। देखें अभी हल्का सा हमने कैप को लूज़ किया तो प्ले आ गया। तो दोस्तों जब भी आप इस कैप को फिटिंग करें तो हल्का प्ले रखना ही रखना है दोस्तों, अगर प्ले नहीं रखेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो जब भी आप यूनिवर्सल जॉइंट के ऊपर इस प्लेट को फिटिंग करेंगे और फिटिंग करने के बाद दोस्तों जब इसे लॉक करेंगे तो हल्का प्ले होना चाहिए। दोस्तों अभी हमने थोड़ा सा प्ले रखा है दोस्तों, इस एक्सटेंशन को भी अच्छे से टाइट करना है। और टाइट करने के बाद दोस्तों आपको जो कैप है, कैप में प्ले कितना रखना है उस हिसाब से रख लेना है। और उसके बाद दोस्तों हमें दो स्पैनर लगाना है, एक तो कैप के ऊपर लगाना है जिसमें कि 30 नंबर का स्पैनर लगता है और दूसरा ऊपर लगता है 22 नंबर का स्पैनर। तो दो स्पैनर पकड़ के इसे लॉक करना है और लॉक करने के बाद दोस्तों जैसे ही लॉक हो जाए उसके बाद में आपको एक बार फिर से प्ले चेक कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों प्ले कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों फिर से हमें इसे ओपन करना है, मतलब लूज़ करना है, और लूज़ करने के बाद में हल्का सा हम उसे कैप को लूज़ करेंगे और हल्का सा प्ले रखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमने हल्का सा प्ले रख दिया है। अब चलिए इस पोजिशन पर हम इसे दोबारा लॉक कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों लॉक हो चुका है और प्ले भी बराबर आ चुका है। तो दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, लीवर लगाना है। तो दोस्तों लीवर में जो है एकदम सीधा सीधा आपको लीवर को फिट कर देना है एक्सटेंशन के ऊपर, और ये देख सकते हैं 17 का बोल्ट, इसे हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों इस लीवर को आप सीट पर बैठ जाना है, और सीट पर बैठने के बाद में आप पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हमें इस लीवर को रखना है उस पोजीशन पे पकड़ के रखना है, और पकड़ के रखने के बाद में लीवर को अच्छे से टाइट कर देना है, मतलब इस बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हमने लीवर के बोल्ट को अच्छे से टाइट कर दिया है। अब देख सकते हैं दोस्तों ये लीवर में सिर्फ प्ले हमने कितना सा रखा है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने इस लीवर के प्ले को कम करने के लिए हमने क्या किया है। तो सबसे पहले तो हम बता दें आपको, यूनिवर्सल जॉइंट को हमने चेंज कर दिया है, मतलब पुराना खोलकर हमने नया फिटिंग कर दिया है। उसके बाद दोस्तों जो प्ले एडजस्टर कैप है इससे हमने प्ले सेट किया है, और प्ले सेट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने है रिजल्ट, ये जो पायलट लीवर है इस पायलट लीवर का प्ले कितना है। दोस्तों हमने जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तभी हमने दिखाया था इस लीवर में प्ले कितना था, मतलब ये लेफ्ट का है बट हमने राइट का दिखाया, लेकिन प्ले एकदम सेम था। तो देखा दोस्तों हमने कितनी आसानी से इस पायलट लीवर का प्ले को कम करके बताया है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।